सनी देओल की फिल्म गदर 2 सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। इसका बोलबाला फैंस के बीच बखूबी देखा जा रहा है। इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है ये। दर्शकों के बीच माहौल ऐसा बना है कि हर तरफ सिर्फ तारा सिंह और सकीना की ही चर्चाएं हो रही। अनिल शर्मा ने इस फिल्म का निर्देशन संभाला है। खबर आ रही है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गदर 2 देखने की इच्छा जाहिर की है। दरअसल अनिल शर्मा ने इस बात को कंफर्म करते हुए खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा, कल हम बैठे हुए थे, अचानक सेंसर बोर्ड के यहाँ से हमें फोन आया और उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आपकी फिल्म देखना चाहती हैं। और फिर उन्होंने हमें ईमेल किया। हम सभी खुशी से झूमने लगे और गर्व महसूस हुआ। इतना बड़ा सम्मान गदर 2 को मिल रहा, हम तो समझ ही नहीं पा रहे। वही अगर फिल्म की बात करें तो सनी देओल का तारा सिंह के अवतार में जनता ने पहली बार साल 2001 में बड़े पर्दे पर देखा था। उड़ जा काले कावा और मैं निकला गड्डी लेके, दोनों ही गाने दर्शकों के बीच खूब पॉपुलर हुए थे। इस बार भी दोनों गानों को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा। अनिल शर्मा ने एक ट्वीट कर जानकारी दी थी कि फिल्म की 20 लाख टिकट एडवांस में बुक हो चुकी है। बिजनेस के मामले में फिल्म अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। दर्शकों के बीच इस फिल्म को लेकर काफी क्रेज भी दिख रहा। सोशल मीडिया पर तमाम वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिनमें कई लोग सनी देओल के पोस्टर पर फूल और दूध चढ़ाते दिख रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। ट्रेंड रिपोर्ट का अनुमान कहता है कि पहले दिन गदर 2 का कलेक्शन 33 से 35 करोड़ रुपए के करीब होने वाला है। लेकिन सिंगल स्क्रीन्स और छोटे सेंटर्स का सपोर्ट भी फिल्म की कमाई और धुआंधार करवा सकता है, इसलिए यहां से 36 या 37 करोड़ तक कलेक्शन होना भी मुश्किल नहीं होगा।